अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू दिल पसंद लिबास। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मारिया बी का किंग कॉपी इन द हेरिटेज कलेक्शन। इसका नंबर है डिज़ाइन D5 फ्रॉम द लास्ट सीजन्स वेडिंग कलेक्शन। सो इसमें जो है मैं आपको दिखाऊंगी कि क्या क्या आता है और इसका काम कॉम्बिनेशन कैसा है। इट्स अ वेरी 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 प्रिटी सूट। इट्स गॉट फैब्रिक फॉर मेकिंग लॉन्ग कमीज विद गरारा और अशरारा व्हिचएवर यू लाइक। अच्छा, कमीज का जो कपड़ा है वो है ये, इसमें क्या है, लाइक अ जैकार्डी टाइप ऑफ फैब्रिक। इट्स ऑन अ शिफोन बेस एंड इट कम्स विद लोड्स एंड लोड्स ऑफ पैचेस एंड सो ऑन जो आपने अप्लाई करने हैं इसको मुकम्मल करने के लिए। सो ये है इसका दामन का पट्टी, उसके साथ दामन के पट्टी के साथ लगेगी ये वेलवेट पट्टी। और इस वेलवेट पट्टी में जो है जो फैब्रिक होगा वो बाजू के लिए भी होगा। सो ये कॉम्बिनेशन होकर डबल्स में लगेंगी। तो इसके साथ फिर है एक्स्ट्रा, अच्छा ये दो कॉम्बिनेशन में है, एक है ब्लू में और एक है ग्रीन में। जो ग्रीन में है वो बाजू के लिए है, जो ब्लू में है वो दामन वगैरह के लिए ऊपर लगाने के लिए है। दैट्स अनदर पीस। एंड देन उसके अलावा ये फुल ओगंजा में पैनल है जो कि कमीज़ के ऊपर लगेगा ऐसा। I'm running out of space. Where to put this? Okay. फिर इसके ऊपर लगेगा ये गला जो है फुल हैवी वर्क, हैंड वर्क, और हैंड वर्क है पर्ल्स, सीक्वेंस, इस पर मोती का काम वगैरह हुआ, हाथ से सब लगा हुआ। ये फुल एम्ब्रॉयडर्ड नेकलाइन है। और फिर इसके साथ हैं ये मिंट ग्रीन कलर में फुल एम्ब्रॉयडर्ड स्लीव्स। अगेन स्लीव्स के सामने उस उधर से कपड़ा बचेगा जो आगे लगेगा। फिर उस इसके साथ है यह नेट का दुपट्टा जिस पर है फुल वर्क। और इसमें मैं आपको दिखाती हूँ कि आपने क्या करना है दुपट्टे को फुल कर मुकम्मल करने के लिए। यह डबल साइडेड बॉर्डर है, इसको यहाँ से काटना है, इसको उतार कर दुपट्टे के पल्लू पर जाएगा और फिर दूसरी तरफ से भी इसको सिल्क वगैरह के साथ या तो ट्रिम करना है या कि बर्न आउट करके इसको मुकम्मल करना है। फिर इसके अलावा इसके साथ है ये गरारे का कपड़ा और ये अगेन ये ओगंजा में है और ये फुल आपकी मर्जी है आपने किस डिज़ाइन का सिलाई करना है। इफ़ यू वांट अ बूट लेग ट्राउज़र, इफ़ यू वांट अ गरारा, इफ़ यू वांट अ शरारा, यू कैन डू मैनी मैनी डिज़ाइंस। और साथ इसके है ये सिल्क जो है इसकी लाइनिंग के लिए। सो ये है मुकम्मल सूट। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली स्टनिंग कलर कॉम्बिनेशन है इसका, बेबी पिंक, स्काई ब्लू और पिस्टाचो ग्रीन। सो अ ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल कॉम्बिनेशन। सिर्फ इसका थोड़ा सा मसला है जब मैं ये सूट मंगाती हूँ तो मुझे थोड़ी सी रिजर्वेशन लगती है क्योंकि इन सूटों को सिलाई करना जो है काफ़ी बड़ा काम है, क्योंकि इनका सब इंडिविजुअल पीसेस को जो है बर्न आउट करके इस पर अच्छे तरीके से अप्लाई करने हैं तभी जाकर आपको रिजल्ट मिलेगा। तो एडवाइस मैं यही करूँगी, इन्वेस्ट इन वन ऑफ दी सूट्स। आप खुद जो है मेहनत करके आराम 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 से बेशक हफ्ता लगा लें और हफ्ते में इसको तैयार करें और हर हर पीस को लगाकर उसको प्रेस करें अच्छी तरह से, यू नो, पुट लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव इनटू इट एंड आई विल टेल यू, यू नो, इफ़ यू पुट द लव इनटू इट यू वुड गेट अ ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल रिजल्ट। मुझे यकीन है कि आप जो है बहुत अच्छी रिजल्ट बनाएंगे। सो यह था हमारा आज का पहला मारिया बी का किंग कॉपी में। इंशाल्लाह मेरे पास आज तीन आए हैं मास्टर किंग कॉपी में जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। दे आर ऑल रियली रियली प्रिटी सूट्स। मैं आपको एडवाइस यही दूंगी कि हम लोग जब ये इस तरह के सूट पहनते हैं तो एक दफ़ा पहनते हैं, दो दफ़ा पहनते हैं, एंड इट्स स्टूपिडिटी टू गो एंड वेस्ट सच लार्ज अमाउंट्स ऑफ मनी ऑन यू नो सच एक्सपेंसिव सूट्स नेवर टू बी वॉन अगेन। सो अगर आपने कुछ रेगुलर पहनना है उस पर जो है आप ओरिजिनल लें क्योंकि उसमें आपको वेयरबिलिटी मिलेगी, लेकिन ऐसे सूटों को जिनको हमने एक दो दफ़ा पहनना है, गेट अ गुड क्वालिटी मास्टर किंग रेप्लिका। बिकॉज मेरे पास ये आए थे इंडियन कॉपीज़ में लेकिन उनके मुख्तलिफ कलर थे और उनकी एम्ब्रॉयडरी भी ऐसी नहीं थी, वो भी मैं आपको दिखा दूँगी क्योंकि
बहुत सारे डिज़ाइनों में डिफरेंट कंपनीज बनाती हैं मुख्तलिफ किस्म की, इसमें थोड़ा थोड़ा हल्का जो है सब ने अपनी तरफ से मुख्तलिफ करते हैं, लेकिन दिस इज़ अ किंग कॉपी विच इज़ द क्लोजेस्ट टू द ओरिजिनल. एज यू कैन सी ऑल द पीसेज, द सो मेनी पीसेज एंड द एम्ब्रॉयडरी, लाइक जैसा ये इसकी एम्ब्रॉयडरी है, इस पर माइक्रो वेलवेट पर बहुत अच्छी और आला क्वालिटी की एम्ब्रॉयडरी है. सो दिस प्लेंटी ऑफ पैचेज एंड सो ऑन. But they need to be applied beautifully. Now, unfortunately, I'm committed so much that I have absolutely no time for sewing. मैंने कल बहुत अपने आप से जुल्म करके, जबरदस्ती करके, कल रात को मैंने 3 सूट सिलाई किए थे. इन केस यू मिस माई ब्यूटिफुल सिलेक्शन ऑफ द 3 सूट्स, दीज वर द सिलेक्शन ऑफ माई 3 सूट्स फ्रॉम 5 pounds दैट आई डिजाइंड, एंड दिस इज माई काइंड ऑफ दिल पसंद लिबास. जब ऐसे भी सिलाई करते हैं तो मेरे घर में कल कोई औरतें आई थी तो मुझे कह रही थी, आपने जो भी पहना होता है वो ऐसा लगता है जैसा जो है ना रेडीमेड या किसी डिजाइनर का है. तो मकसद ये कि उसमें क्या होता है कि हम खुद अपनी तरफ से मोहब्बत से और सुकून आराम से जो है बनाते हैं. तो अगर आप भी मेहनत करके आराम से सुकून से, यू गोइंग टू लिव इन टू समथिंग, आई एम श्योर यू कैन गेट दिस रिजल्ट एज वेल. बहुत सारी चीज़ें, आई मीन इफ आई लुक ऑन दिस आई डोंट थिंक दैट सोन एज ऑल दैट वाओ. आई एम श्योर यू पुट मेहनत इन टू इट, यू कैन गेट अ बेटर रिजल्ट देन दैट इन सोइंग. ऑल द पीसेज आर सप्लाइड, इट जस्ट नीड्स योर मैजिकल पर्सनल टच. सो order yours and apply the personal touch and make a unique outfit, and you know what, you'll be showing off and saying ये मैंने खुद बनाया है. एंड कितना मजा आता है जब कोई कहता है कि ये मैंने खुद बनाया है, या ये आपने बनाया है, हाँ ये तो मैंने खुद बनाया है. सो लर्न टू बी पॉजिटिव अबाउट व्हाट यू क्रिएट, एंड इंशाल्लाह यू'ल बी सरप्राइज्ड बिफोर यू'ल बी फाइंडिंग फॉल्ट्स इवन फ्रॉम द बेस्ट ऑफ द टेलर्स.